हेलो गाइज, आज हमारा टूर का सेकेंड डे है और सेकेंड डे में अभी हम लोग हेटोडा का शहीद स्मृति है वहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। लेकिन क्या बताएं कि यहाँ पर इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है कि अभी घूमना थोड़ा मुश्किल हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग घूमेंगे और आप सभी लोगों को भी दिखाने वाले हैं। और मेरे पीछे में आप सब देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है वहाँ से एंट्री लेंगे और अंदर जाएंगे, अंदर जाकर आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे। अब यहाँ पर चप्पल जूता निकालना है। यहाँ पर टीका लगाया जाता है, अब यहाँ पर जाकर टीका लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर विष्णु जी का मंदिर है और वहाँ पर भी जाएंगे। ले दोस्त तो अभी यहाँ पर हमने भगवान का दर्शन भी कर लिया। और हेलो गाइस, हेलो गाइस, बाय बाय। हम लोग बोलने के साथ ही बाय बाय भी कर दिया ना। पीछे में जो है यहाँ पर बहुत तरह का है ना पौधे है और यहाँ पर फल भी है। अगर अलाउ होगा तो हम नीचे भी जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को नीचे जाने देगा, तो यहीं से ही है ना, ऊपर से ही आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर भी देखिए इस तरह का है ना, ये मंदिर पहाड़ में इस तरह है। वीडियो को लास्ट तक देखना गाइज, ठीक है गाइज। अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और सुनने में आए हैं कि यहाँ नीचे की ओर एक गुफा है, तो चलिए आप लोग भी देखिए हमारे साथ की गुफा के अंदर क्या है। हमें भी नहीं पता है कौन सा। हाँ, हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं। इस मंदिर का नाम क्या है? पता ही नहीं। हम विष्णु भगवान का मंदिर है। तो गाइस देखिए गुफा कैसा है। गुफा है इसके अंदर, यहाँ से इंटर होना है। सर, आपको गुफा में जाकर कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो डर हो रहा था, अंदर जाने के बाद कैसा हो गया है ना, बहुत अच्छा फील हुआ। फर्स्ट टाइम देख नहीं पाए। ये नेचुरल होगा सर? हाँ, ये नेचुरल है, मंदिर ऊपर से इंसान ने बनाया होगा। तो भीतर मैं इस टाइप की गुफा में कहीं नहीं छिरे थे। गुफा में गई, गुफा में गुफा जान। आज हमने आप लोगों को यहाँ पर भी दिखा दिया और हम लोगों ने भी यहाँ पर घूम लिया है। और अभी देखिए कि हम लोग पूरी तरह से भीग चुके हैं, इतनी इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है ना कि आप लोग जो है वीडियो के मार्फत से ही देख लीजिए। मैं तो आप लोगों को बता तो नहीं सकती, लेकिन देख लीजिए कितना बारिश हो रहा है, पूरा का पूरा है ना, सभी लोग भीग चुके हैं। और यहाँ पर बस है, बस के अंदर जाएंगे, ठीक है। और उधर भी कुछ लोग वहाँ से भी आ रहे हैं, तो अभी हम बस में चलेंगे और देखते हैं अब कि अब हमारा सर जो है कहाँ पर ले जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग शहीद स्मारक के अंदर में हैं और यहाँ पर अभी फोटो सेशन चल रहा है, ठीक है। मैंने अभी तक खिंचाया नहीं है, बाद में जाकर खिंचाऊंगी, पहले मैं ब्लॉग का वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए
अब हम अभी इस तरफ जाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूर्ति वगैरह है, किसी भगवान का है शायद, मुझे मालूम नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ से जंप लेना पड़ेगा। हो गया जंप सक्सेसफुल। नहीं लगा दी गाइज, यहाँ पर जू भी है, देखिए यहाँ पर है बंदर, बंदर, और यहाँ पर है मयूर हैं, यहाँ पर मयूर है, और आगे की तरफ भी दिखाते हैं, यहाँ भी मयूर है। और ये क्या है, ये शायद कालीज है। और यहाँ पर चितुआ लियोपार्ड चैन की नींद ले रहा है, देखिए यहाँ पर चैन की नींद सो रहा है चितुआ। और ये इसके लिए वहाँ पर मीट रखा हुआ है, मीट रखा है लेकिन सो रहा है। यहाँ पर मयूर है दोस्तों, यहाँ पर वो शायद मयूर का बच्चा है, लेकिन ये सफ़ेद रंग का है। यहाँ पर कबूतर है सफ़ेद रंग का, देखिए सिंबल ऑफ पीस। यहाँ पर है डियर, हिरन। देखिए वहाँ पर कितना सारा है, जरायु। यहाँ पर भी है रतुआ मृग, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर ऑस्ट्रिच है दोस्तों, देखिए दो ऑस्ट्रिच है, फास्टेस्ट बर्ड। इन्होंने तो था पर ही ना क्या चिड़िया था। ऊपर की तरफ चलिए दोस्तों, शहीद स्मारक, स्मारक है यहाँ पर। कितना अच्छे से लाइट का यूज किया है, देखिए लाइट का डेकोरेशन कितना अच्छे से है ना, इन्वेंशन करा हुआ है यहाँ पर। अब एक बार आप लोग ऊपर से नीचे का व्यू देखिए, पर स्टैचू है। और उस तरफ में झुलंगे पुल है, वन ऑफ द रेयरेस्ट एनिमल वल्चर। मूसा है कि ये खरगोश का बच्चा है। ओ देखिएगा इतना बड़ा बड़ा मूसा आपने कभी देखा है, देखिए बेलायती मूसा। और ये है उल्लू, उल्लू है कि चील है, ए उल्लू है वहाँ पर, देखो उसका मुँह, वो चील, चील है इसका मतलब, चील यानी कि ईगल, ईगल है, ईगल चील है। पर पता नहीं क्यों मुझे ये है ना, ये उल्लू है, हाँ ये मुझे उल्लू जैसा लग रहा है, ये माउंट एवरेस्ट आर्टिफिशियल है ये,
सैंपल के लिए है, पत्थर में है इंसानों का फेस बना हुआ है। देखिए गाइस, देखिए इस कारीगर को क्या आप बोलना चाहेंगे, कितना अच्छा बनाए हैं। देखिए पत्थर में है इंसानों का फेस बना हुआ है। अब हम इसके अंदर में जाने वाले हैं। एंशियंट टाइम का है। शहीद मंच ऊपर पर साइकिलिंग है और इस साइड में रोलर कोस्टर वाला जीप लाइन है। थोड़ा सा एक व्यू टावर है, अब इसके ऊपर जाएंगे और ऊपर से नीचे का नज़ारा देखते हैं। थोड़ा और ऊपर चलिए, अब थोड़ा और ऊपर। बस अब हो गया, अब यहाँ से देखिए उधर से आए हम। और जीप लाइन जो है वो इस यहाँ पर है। देखिए गाइस, हम लोग तो बेकार में उधर से घूर कर आए हैं, यहीं से सीधा सीधा रास्ता था। रोलर कोस्टर, चलिए गाइस मम्मी नहीं सीखे हो, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मम्मी खाली ले लो, और हम लोग वहां पर जाने वाले अभी। चलिए ये है। क्या यहाँ पर मुझे भी नहीं पता है, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। उस तरफ स्विमिंग पूल है, इसके लिए टिकट काटना पड़ेगा। हमको स्विमिंग आता नहीं, उधर हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, इधर ही चलते हैं। उधर से ही सीढ़ी चढ़ते चढ़ते यहाँ पर पूरा का पूरा थक चुके हैं अभी। देखिए फिर भी थोड़ा सा बाकी है चढ़ने के लिए। ये रहा मैप ऑफ नेपाल। लिटरली गाइज बहुत 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 थक चुके हैं सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते। देखिए लेजेंड लोग वो दोनों अभी आ रहे हैं, अब ऊपर की तरफ चलते हैं गाइज। फिर यहाँ पर सीढ़ी, हाँ
देखिए गाइस, ये देखने के लिए हम कितनी नीचे से आए, देखिए उधर से आए हैं इसके लिए। चलिए आप लोग भी देखिए, और ये लोग भी आए। चलिए इधर से भी घूमना जा सकता है, तो हम इस तरह से चलते हैं। बट देखिए यहाँ पर लॉक लगा है, मतलब कि हम अंदर अभी जा नहीं सकते, तो बाहर से ही देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, उठा दे, मुझे भी देख लीजिए इसके बाद। देखिए गाइस, देखिए इस पार्क अच्छे से देखिए ना, रील्स बना रही है दोनों, रील्स। चलिए गाइस, अब इस ये टावर जो है ना, टावर इसके बगल में हम है ना राउंड लगाते हैं, देखते हैं। और गाइस आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग भी है ना नेपाल को विजिट करना चाहते हैं ना, तो एक बार ना इस ठाँव पर ना ज़रूर आइएगा। ये ठाँव हेटौडा में है, हेटौडा का शहीद स्मारक, ठीक है, इसका नाम है। ये हेटौडा का ठाँव है, और इसका जो हम ये स्पॉट है अभी हम जहाँ पर है उसका नाम है शहीद स्मारक। और अभी हम लोग यहाँ पर घूमे, और आप लोगों को भी ये ठाँव जो है अच्छा लगा होगा, ज़रूर ही अच्छा लगा होगा, मुझे इतना तो विश्वास है। और आप लोग भी आइएगा गाइज, पिकनिक स्पॉट में ना चिड़ियाखाना है, पार्क है, पिकनिक स्पॉट है, जीप लाइन है, रोलर कोस्टर जीप लाइन है, और साइकिलिंग है जो ऊपर से चलता है ना वो है, और उसके बाद टूरिज्म को जो है फैसिलिटेट करता है। तो आप लोग भी आना है ना यहाँ पर, तो चलिए आगे चलते हैं। इस तरफ में शायद वाटर टैंक है, इस तरफ में एग्जैक्ट क्या है वो तो मुझे पता नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि वाटर टैंक होगा। और ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये पेड़ सब सखुआ बोलते हैं इसको, इस ये बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है, इससे जो है घर में गेट बनाया जाता है, विंडो बनाया जाता है, इसी से बहुत मजबूत। लीजिए आप लोगों भी, चलिए दोस्तों वीडियो का लास्ट तक बने रहना गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और यूं ही हमें सपोर्ट करते रहना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो, अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आपका मन हो तो सब्सक्राइब करना, मन नहीं है तो मत करना है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बोलते बोलते हम लोग जो है इस टावर का फुल राउंड, फुल चक्कर जो है लगा लिया है अभी, ठीक है, हो चुका है हमारा राउंड कंप्लीट। सी कैसा लगा गाइज, कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइज हम लोग ऊपर से घूम चुके हैं, और अभी हम इस तरफ नीचे की तरफ जाने वाले हैं, और नीचे की तरफ जाकर बस में बैठेंगे, और फिर उसके बाद आगे हमारा सर कहाँ पर लेकर जाता है, और उस ठाँव को भी घूमेंगे, और फिर जो है घर जाने के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि हम कल से ही घर से बाहर हैं। देखे तो जरा नीचे का नज़ारा, देखे तो नज़ारा तो अच्छा है, बट सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी पड़ती है यहाँ पर। फन पार्क इधर है, इधर पर फन पार्क है, आप लोगों को भी घूमना होगा ना तो आइएगा हमारे नेपाल में, इस तरह का बहुत ही ठाँव है, घूमिएगा। ये रहा हमारा बस, बस वहाँ पर है, देखो गाइज, देखो देखो गाइज, अभी हम लोग निकल रहे हैं, बहुत घूम लिया, बहुत ही थक चुके हैं, तो निकलते हैं। और ये है हमारा वाइस प्रिंसिपल सर, आप लोग इनसे भी मिलिए,
कैसा लगा सर घूमकर? हमको तो ठीक है, आपको बताइए, आपको घुमाने के लिए है ना? हमें तो बहुत अच्छा लगा सर। सबसे आपका खुशी तो हमारा खुशी। इफ यू आर हैप्पी देन वी आर हैप्पी बिकॉज़ वी हैव ब्रॉट यू हियर टू विजिट दिस हेटोरा पार्क। आई थिंक यू माइट हैव एंजॉयड बेटर। सो गाइस, हमारा बस वहाँ पर है, अब सभी लोग बस में बैठेंगे और हमारे सफ़र के लिए आगे बढ़ेंगे। हेलो गाइस, अभी हम लोग खाना खाने के लिए चल रहे हैं। तो गाइस, हम लोग अभी खाना का वेट कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर ये दोस्त, ये वेजिटेरियन है, तो इसके लिए ये रहा वेज खाना। पर हम लोग तो नॉन वेज है, हमारे लिए नॉन वेज थोड़ी देर बाद आएगा, तब तक हम लोग जो है वेट कर रहे हैं। आने के बाद आप लोगों को वो भी दिखाएंगे, ठीक है? यहाँ पर देखिए गाइस, हमारा खाना आ चुका है। हाँ, अभी मटन जो है बाद में आएगा, तो ये हो गया आलू का फ्राई, ये आलू गोभी फूल गोभी पत्ता गोभी दोनों मिक्स है, ये सलाद हो गया, ये नींबू, ये दाल, ये भात हो गया, ये है साग और चटनी है। अब मटन आना का बाकी है, अब देखते हैं कि मटन कितना देर में आता है यार। तो ये खाना है, अभी खा रहे हैं। और खाने का समय कितना है पता है आपको? अभी टाइम हो रहा है 1:44 अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं। देखिए गाइस, हमारा मटन भी आ गया है, खाते हैं।